नमस्ते, मैं राहुल सेवाल। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा के खेरागढ़ से है, जहां पर भीमराव अंबेडकर पार्क पर दबंगों का कब्जा। ऐसे में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा किया। इस प्रदर्शन में लोगों का नारा था कि गांव सोन अंबेडकर पार्क को खाली करो, जहां पर श्रीमान जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द भीमराव अंबेडकर पार्क को दबंगों से मुक्त कराएं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। इस प्रदर्शन में नव चेतना जागृति संस्था के अध्यक्ष बच्चू सिंह बौद्ध भी मौजूद थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए आगरा से राहुल सहवाल की खास रिपोर्ट। हाँ, पंचायत से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, जिलाधिकारी किस संबंध में ज्ञापन देने आयो? गांव सोन थाना खेड़ागढ़। मैं 1988 से बना अंबेडकर पार्क पर कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, उसे खाली कराना है। इस संदर्भ में हमें अधिकारी महोदय से मिल रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से अंबेडकर पार्क को खाली कराया जाए, अन्यथा जाटव समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा। कौन है वो दबंग जो कब्जा करूंगा? दबंग की कोई जाति नहीं होती है और वहाँ के क्षेत्र के ही लोग हैं जो काफी दबंग हैं, और वहाँ करीब 250-300 लोगों की जाटवों की बस्ती है। उनको क्या किसी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या दबंग लोग? राजनीति पार्टी से तो थोड़े होते ही हैं, सभी होते हैं। राजनीति पार्टी का सहयोग होता है, दबंग दबंग होता है, उसकी कोई राजनीति पार्टी भी नहीं होती। दबंग दबंग होता है, वो गुंडे तत्व टाइप के होते हैं, ठीक है। 1988 से बना हुआ है, सरकारी कागजों में दस्तावेज देखा गए इसके, उसमें कब्जा कर रखा है। ठीक है, ये सपोर्ट इंडिया से इनके वकील साहब की बैठ। नीचे करो यार, ये बार अपना नाम बताओ। कल हमने खतौनी निकलवाई और इस खतौनी में अंबेडकर पार्क लिखा हुआ है साफ साफ, और जहां मूर्ति लगी हुई है पार्क भी है, लेकिन इसके कुछ हिस्से पे लोग कब्जा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो जब सरकारी दस्तावेज में हमारी पार्क है तो वो कब्जा नहीं कर सकते सर, और कब्जा करने के लिए जब हमने SDM साहब से शिकायत की, तहसीलदार से शिकायत की, तो सब लेखपाल वगैरह सारे लोग मौके पे आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अंबेडकर पार्क है, हम इसको ध्वस्त कराते हैं। JCB नहीं मिल रही है, तो महीना भर हो गया JCB को ढूंढते ढूंढते सर, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हम इनिशियली तो साहब को लिखे, नहीं नहीं, इसमें यह है कि गाली गलौज और जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहे हैं वो लोग, झूठे मुकदमा में फंसाना चाहते हैं। तो ये तो पुलिस से रिलेटेड मामला है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर सबको ओरिजिनल देते हैं, सबका बराबर का स्थान है, ज्यादा होगी तो अधिकार तो सबको बराबर है। और हमारे जो गांव है सोन तहसील केरा जिला आगरा के अंदर, वहाँ पर दबंगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो जगह है सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, खाते पत्र में उस पर कब्जा कर लिया है। हम माननीय जिलाधिकारी मौजूदगी से अनुरोध करते हैं कि तुरंत जो मकान बने हुए हैं उनको ध्वस्त कराया जाए और उस जगह को खाली कराया जाए, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी जितने भी लोग हैं वो हमारे संगठन से जन समूह आ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि गाँव में कोई जाति हिंसा हो, बाबा साहब के नाम पर कोई भी विवाद हो। हम माननीय मोदी से यही आग्रह करते हैं कि वो तुरंत 2 दिन के अंदर और इन मकानों को ध्वस्त कराने की मांग करते हैं। हमारा संगठन और जितने भी हमारे संगठनों में बहुत दर्ज है, वह हम चाहते हैं उसको ध्वस्त कराया जाए 2 दिन के अंदर। और कई अधिकारी आते हैं, जैसे तहसीलदार है, SDM साहब हैं, कानून को लेखपाल जी हैं, वो नाप के चले जाते हैं लेकिन उन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और हम बहुत परेशान हो गए हैं। सारे लोगों में तनाव है, तो हो सकता है दंगा भी हो सकता है। इसीलिए महोदय जी से हम कहते हैं कि जल्द से जल्द इस पार्क को खाली कराएं। आओ ज्ञापन दे।